दिस पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन केयरिंग नेचुरली। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नीति का स्वागत और समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने जनसंख्या विस्फोट को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में हो रही तेजी से जनसंख्या विस्फोट कई प्रमुख समस्याओं का कारण भी है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिसे देश और प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को मानना ज़रूरी हो। उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या का सीधा प्रभाव अच्छी शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। वहीं नई जनसंख्या नीति का मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा विरोध और इसे अल्लाह की देन बताए जाने पर मान नरेंद्र गिरी ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से सवाल किया है कि आखिर बच्चा पैदा करने में अल्लाह की क्या देन है। महंत नरेंद्र गिरी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो भी इस कानून को सहृदय के साथ स्वीकार करें और मुस्लिम समाज में लोगों को कम बच्चा पैदा करने के लिए जागरूक भी करें। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगर दो बच्चे के बाद तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उसे वोट देने का अधिकार ना हो, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो और उसका आधार कार्ड भी ना बने और सरकार की तमाम योजनाओं से भी उसको वंचित कर दिया जाए, तभी इस कानून का सही मायने में सख्ती से पालन हो सकता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि मुस्लिम समाज में 3 शादियों की छूट है, ऐसे में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को हर पत्नी से 2 बच्चा पैदा करने की इजाज़त कतई नहीं होना चाहिए। पत्नी चाहे 3 हो लेकिन बच्चे 2 ही होने चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने कहा कि देश की बढ़ रही जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को मिलकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में जाति और मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती मानते हुए सबको जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाए जा रहे कानून का पालन करना चाहिए। के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार न हो, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड में जो उनके सुविधाएं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सख्त कानून बनाएंगे तभी इस कानून का फायदा होगा। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं, अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चा पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी से 2 हुए तो फिर 6 हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष तो एक ही रहेगा ना। तो आप चाहे 4 बीवी रखिए चाहे 5 बीवी रखिए, लेकिन गिनती बच्चे की 2 ही होगी। 2 ज्यादा पैदा करेंगे आप तो उसको न तो वोट देने का अधिकार रहेगा, न संख्या में आएंगे आप, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार न हो। ऐसा कानून बना जाए तो देश का भला होगा। और भारत के वासियों से मेरा यही निवेदन है कि इस कानून का आप लोग सहृदय पालन करें, स्वीकार करें, समर्थन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने फैसला किया है, वो अपने स्वयंसेवकों को कोरोना के टीकाकरण को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह ले जाएगी। यूपी के चित्रकूट में चल रही RSS की बैठक में इसकी जानकारी दी गई। RSS की तरफ से बताया गया है कि उसके 2.5 लाख से अधिक स्वयंसेवक अगस्त के महीने में इसके लिए एक ट्रेनिंग लेंगे और सितंबर में पूरे देश में जाकर कोरोना और उसके टीकाकरण को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए RSS ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर अपनी सक्रियता बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की वजह से 1.5 साल से बंद पड़ी शाखाओं को भी नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इसे हाईटेक कैसे बनाया जाए इसको लेकर देश भर के पदाधिकारियों से सुझाव लिया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा कल जारी की गई उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मोदी योगी और मोहन भागवत के बच्चे नहीं हैं और इस कानून का मतलब अगर सारे हिंदुस्तान को बच्चा पैदा न करना है तो इसे कोई नहीं मानेगा। उनका ये भी कहना है कि ये लोग सारे हिंदुस्तान को बच्चा पैदा नहीं करने देंगे क्या। उनका ये भी अटपटा तर्क है कि जब लोगों को बच्चा नहीं पैदा करने दोगे तो पड़ोसी मुल्कों से जब हमला होगा तो उनके खिलाफ भारत कैसे खड़ा हो पाएगा। भाई देखिए, अब
जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादी है ना। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा। नेपाल से आई कैनेडियन मटर एक बड़ी तादाद एसडीएम निचलौल ने बरामद की है। मामला इठिया ग्राम के डुमरी टोला का है, जहां सशस्त्र सीमा बल कस्टम के साथ एसडीएम की संयुक्त टीम की छापेमारी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 83 बोरा अवैध रूप से नेपाल से तस्करी कर लाए गए कैनेडियन मटर को जब्त किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम गजेंद्र यादव है। The news was sponsored by The Nature Boon, caring naturally.